ग्रामीण स्तर पर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशिक्षण दे रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में भी 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आशा वर्कर, ANM और सुपरवाइजर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि नौनिहालों के स्वास्थ्य की जाँच के साथ साथ बीमारियों का पता लगाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में 3 महीने के बच्चों को होने वाली बीमारियों और उनकी देखभाल की जांच परख किस तरह से की जाए, ये बताया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 3 महीने से 15 महीने तक के बच्चों की देखरेख सही तरीके से हो। उन्होंने कहा कि एनीमिया के साथ न्यूट्रिशन बच्चों को पूरी तरह से मिल सके, इसके लिए आशा वर्कर व ANM पूरा ख्याल रखेगी और अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाती है तो बच्चे को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए लाया जाएगा। आशा वर्कर 42 दिन की डिलीवरी के बाद 6 से 7 विजिट करती है होम पे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आया सरकार का कि जो 3 महीने से लेके 3 साल तक जो हमारे बच्चे हैं उनका चेकअप जो है आशा वर्कर ANM जो है वो हर 3 महीने में करेगी। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वही पे थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है गांव में, पता नहीं लगता कि बीमारी है, ग्रोथ ठीक है, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, अगर उसमें कुछ कमी पेशी जाइए पाई जाती है तो आशा जो है वो 3 महीने के बाद और हमारा हेल्थ वर्कर उसको देखेगा और अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको PSC CHE या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा।